हे वाईटी वेंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द नो। दोस्तों वाईटी भारत चैनल पर आज मैं आपको लेकर के चलूंगा दुनिया में फेमस सबसे खूबसूरत ऐसे एक डेस्टिनेशन पर जो अपने एडवेंचर के लिए फेमस है, अपने हाईएस्ट फाचेस के लिए फेमस है और अपनी ब्यूटीफुल लोकेशंस के लिए फेमस है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंडिया के अंदर मौजूद लेह लद्दाख के बारे में। अगर आप लेह लद्दाख का प्लान बना रहे हैं तो आज की इस वाईटी भारत की लेह लद्दाख टूर गाइड को देख लीजिए, जिसके बाद आपके आगे आने वाले टूर में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वाईटी भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे जुड़ी हुई ऐसी ही अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशंस को आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल जाकर के सब्सक्राइब करना होगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबाना होगा, ऑल को सेलेक्ट करना होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपनी लुभावने खूबसूरत गोम्पा और शानदार लोकेशंस के लिए लद्दाख एक फेमस जगह है जो आपको कई तरह से हैरान कर देगी। दक्षिण में हिमालय और उत्तर में काराकोरम पहाड़ों से घिरा लद्दाख निश्चित रूप से आपको और ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देगा अपनी ओर लाने के लिए। यदि आप जल्द ही इस सपनों के डेस्टिनेशन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यहां लद्दाख की गर्मियों की यात्रा के लिए मैं आपको वाईटी भारत पर पूरी गाइड देने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाई इस समर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख, मतलब लद्दाख घूमने के लिए गर्मियों का समय सबसे अच्छा क्यों है। आप गर्मियों और सर्दियों दोनों के दौरान लद्दाख की यात्रा करना चुन सकते हैं, क्योंकि इस डेस्टिनेशन पर दोनों मौसमों का अपना एक अलग आकर्षण है। हालांकि गर्मियों के महीनों को इस स्थान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, यही कारण है कि आपको घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों पर भी भीड़ मिल सकती है। इस समय के दौरान जमी हुई झीलें पिघलना शुरू हो जाती हैं और तापमान इतना अच्छा होता है कि ड्राइव करने और आसपास के स्थानों को घूमने के लिए यह सबसे योग्य समय है। आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ के टेम्परेचर और वेदर के बारे में। इस दौरान यानी मार्च से लेकर के जून तक टेम्परेचर लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मौसम बहुत ही सुहावना और आरामदायक लगता है, जिससे आपकी यात्रा आराम से पूरी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गर्मियों में लद्दाख घूमने के और भी कई सारे कारणों के बारे में। सबसे अच्छे समय के दौरान इस स्थान की यात्रा करने के लिए आपको ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह एक ऐसा समय है जहां पर लद्दाख के कुछ प्रसिद्ध त्योहारों का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। इसमें हेमिस फेस्टिवल, युग ब्यात फेस्टिवल, सकादेव फेस्टिवल एक ऐसे रंग बिरंगे त्योहार हैं जिनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं और कुछ अद्भुत प्रदर्शन यहां पर आप उनका दीदार कर सकते हैं जो आपके आँखों को सुकून देगा। इन त्योहारों को भी देखने के लिए उसी के अनुसार आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करनी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर योर विजिट टू लेह एंड लद्दाख। दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर लगभग अप्रैल और मई के बीच में ज्यादातर स्नोफॉल नहीं होता है। गर्मियों का मौसम धीरे धीरे इस स्थान पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। रस्ते जिन पर बर्फ जमी होती है वह लगभग खुल जाते हैं, लेकिन अगर आप बाय रोड यहाँ की यात्रा कर रहे हैं तो बीच में कहीं कहीं पर आपको अवरुद्ध मिल जाएगा, जैसे आप कश्मीर से आ रहे हैं या आप मनाली से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पहुंच सकते हैं इन थोड़ी बहुत मुश्किलों को झेलते हुए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यदि आप फ्लाइट के माध्यम से लेह पहुंचें तो आपका समय भी बचेगा और आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन लेह एंड लद्दाख। यदि आप लेह लद्दाख आ रहे हैं तो आप मैग्नेटिक हिल, शांति स्तूपा, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, लेह मार्केट, कारगिल वार मेमोरियल ऐसी जगहों को बिल्कुल भी घूमना ना भूलें। इसके साथ साथ प्राचीन मठ जो हैं आपके उनको भी जरूर आप एक्सप्लोर करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रूट के बारे में। यदि आप सड़क मार्ग से लद्दाख आ रहे हैं तो आप कश्मीर से होते हुए कारगिल होते हुए यहाँ पर आने का विचार कर सकते हैं, जो जून के शुरुआती महीने से नवंबर तक के महीने में खुला रहता है। साथ ही मनाली लेह सड़क मार्ग भी एक लंबा मार्ग है जो मई के मध्य से खुलता है और अक्टूबर की शुरुआत तक खुला रहता है।
तो आप इन दोनों रूट्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में मैं आपको पहले ही बताता हूँ, अगर आप बाइक राइड करके आ रहे हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको जाम मिलेगा, ऐसे छोटे और बड़े अवरुद्ध मिलते हैं जहाँ पर आपको एक एक दिन कई बार पहाड़ों के खिसकने से भी आपको बीच में रुकना पड़ सकता है। अगर आप अपने साथ मोबाइल ला रहे हैं तो बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है, इसलिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ आइए, चार्जिंग ऑप्शंस के साथ आइए, बैटरीज लेकर के आइए। और अगर आप कैंपिंग के लिए अपने साथ टेंट्स लेकर के आते हैं जो कि क्विक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर ले, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप बाइक के माध्यम से खुद आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से आ रहे हैं, मनाली से आ रहे हैं या श्रीनगर से आ रहे हैं। दोस्तों, इससे जुड़े हुए और भी सवाल अगर आपके मन में हैं तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर से लेह लद्दाख का पैकेज बुक करवाना चाहते हैं सबसे चीपेस्ट दामों में विद फ्लाइट और विदाउट फ्लाइट, तो आप बुक करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए सारी जानकारी हासिल करिए और इस टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए। मिलते हैं वाईटी भारत के इस रह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों नमस्कार, बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।